ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेबकोर्स रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी बता देता हूं। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WAPCOS बोलते हैं। टोटल वैकेंसीज इसके अंदर 153 निकाली गई है। पोस्ट नेम की एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर की इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नाउ, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 23 फरवरी 2019 है, यानी कि 23 फरवरी 2019 इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। आपको इस तिथि से पहले ही अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश, यानी कि आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के अंदर होगी। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। यह भर्ती ऑल इंडिया के लिए निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.webcos.co.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, यह भर्ती आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन मोड इंटरव्यू, यानी कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल पोस्ट इसके अंदर 153 निकाली गई है, जिसमें की एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स के अंदर जो पोस्ट निकाली गई है, टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए 2 पद निकाले गए हैं, डिप्टी टीम लीडर के लिए 4 पद निकाले गए हैं और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 2 पद निकाले गए हैं। इंजीनियर JLE साइट इंजीनियर के लिए 145 पद निकाले गए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए BTech इन सिविल इंजीनियरिंग या विद MTech इन इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स हाइड्रोक्लिक्स और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिकली आपके पास अगर BTech की योग्यता है, वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो इससे रिलेटेड, तो आप इन भर्ती के लिए, यानी कि इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। जो एग्जैक्टली आपसे योग्यता मांगी गई है, वो BTech की ही मांगी गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। एज लिमिट, दोस्तों साइट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है और अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल रखी गई है। यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 40 साल से कम है, वो लोग साइट इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जिनकी उम्र 65 साल से कम है, वो अदर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी डिटेल, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपको, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो कितनी सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी। तो दोस्तों, जो आपको सैलरी दी जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, आपको 60,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सैलरी के रूप में, और डिप्टी टीम लीडर के लिए आपको ₹50,000 पर मंथ दिए जाएंगे, और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको ₹45,000 पर मंथ दिए जाएंगे, और साइट इंजीनियर के लिए आपको ₹20,000 पर मंथ दिए जाएंगे सैलरी के रूप में। दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स याद दिला देता हूं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2019 है, तो आपको 23 फरवरी से पहले ही आवेदन सबमिट करना होगा। दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर साइट इंजीनियर रिक्रूटमेंट, यानी कि आप आवेदन किस तरह से कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों, आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल करके इस एड्रेस पर भेज देना है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, hyderabad@webcos.co.in या फिर webcos@yahoo.co.in। इस एड्रेस पर आपको 23 फरवरी से पहले अपनी CVs भेज देनी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा जानकारी पढ़ करके बता देता हूँ। मोड ऑफ अप्लाइंग ऑफ फॉर वेबकोस रिक्रूटमेंट 2019 वुड बी थ्रू ऑनलाइन। होवर दी रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट विल बी डन इन फेज्ड मैनर एज पर दी वर्क रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे अप्लाई थ्रू ईमेल बाई सेंडिंग। दोस्तों, मैं आपको माफी चाहूंगा कि आपको ईमेल के माध्यम
माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, नोट एक्सीडिंग 2 पेज, जो आपके ईमेल होगा जो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑन और बिफोर आपको इस डेट से पहले भेजना है। यानी कि जो आपकी CVV जिसको हम रिज्यूम या बायोडाटा बोलते हैं, आपको वो बायोडाटा इस एड्रेस पर भेज देना है जो कि यहाँ पर दिया गया है, और वो भी 23 फरवरी से पहले। और मैं आपको बता दूँ इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, आपको इंटरव्यू पर जाना है। दोस्तों मैं आपको इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि 16 फरवरी को अनाउंस हुआ था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सभी पोस्ट की जानकारी दी गई है, और साथ ही ये भी बताया गया कि किस कितनी पोस्ट निकाली गई है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कितनी आपसे एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सैलरी कितनी है और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सभी जानकारी इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी गई है। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके रीड जरूर कर लेना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें अप्लाई करने से पहले। आप यहाँ पर देख सकते हो ईमेल आईडी यहाँ पर भी दी गई है, आप इन ईमेल आईडी को कॉपी करके इन ईमेल आईडी पर अपनी CVs भेज सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी वेबकोस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कोई और सवाल पूछना है तो आप उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।